सो हेलो एवरीवन माय सेकंड ऑडियो क्लिप्स नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकंड ऑडियो क्लिप्स ऑन द जीएसटी एस सीरीज सो होप आई होप स्टूडेंट्स मुझे पूरी आशा है कि आपने जिस तरह से मेरा जीएसटी एस के लिए जो पहला ऑडियो क्लिप्स है वो आपने सुन लिया होगा जो कि मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी को लेकर के था सेकंड क्लिप्स मेरी यहाँ पे रहने वाली है ऑडियो क्लिप्स जो कि रहेगी किसके ऊपर दैट इज़ कोल्ड सप्लाई चैप्टर के ऊपर और सप्लाई में मैं इस वीडियो ऑडियो क्लिप्स में जो कवर करूँगा वो आपके शेड्यूल वन शेड्यूल सेकेंड एंड शेड्यूल थर्ड तीनों के तीनों शेड्यूल्स में कवर करने वाला हूँ इस ऑडियो क्लिप्स में तो स्टूडेंट्स एक तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ऑडियो क्लिप्स डालता हूँ तो उसमें मुझे मोटिवेशंस के लिए अगर आपको वाकई ही ये हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ एक तो लाइक कीजिएगा प्लस शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टडी पार्टनर्स साहब के साथ उनके साथ और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक जरूर दीजिएगा सो स्टूडेंट्स सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर सकें तो उसके अकॉर्डिंगली आप हमें फ़ीडबैक जरूर दीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम वी कैन स्टार्ट नाउ सो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ जी के बाद आपको जो सेक्शन सेवन है उसमें सेक्शन सेवन है हमारा सप्लाई को लेकर के लेकिन सेक्शन सेवन को सप्लाई की अगर हम बात करें उससे पहले हमें चार्जिंग सेक्शन को समझना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नाइन कहता है आपको सेक्शन नाइन ये कहता है कि जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नाइन की जो चार्जबिलिटी है वो किस तरह से चलेगी वो चलेगी आपका लेवी कलेक्शन पर्सन लाइबल टू पे पूरे जीएसटी में लेवी कलेक्शन पर्सन लाइबल टू पे इन तीनों में ही आपका पूरा का पूरा वैल्यूएशन भी ख़त्म कर दूंगा इसी इस इन तीन के तीन हेड पे ही आपका वैल्यूएशन भी बेस्ड है तो जब हम अपनी आ, सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है लेवी कलेक्शन पर्सन लेवल टू पे और लेवी किसके ऊपर है तो लेवी के अंदर आती हैं तीन चीज़ें दैट इज़ चार्ज वैल्यू एंड रेट तो जब हम लेवी करते हैं तो चार्ज किसके ऊपर करेंगे इंटरस्टेट या इंटरा स्टेट सप्लाई यानी कि जो चार्ज है हमारा या तो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई इंटरस्टेट का सप्लाई दैट इज़ आई जी एस टी इंटरा स्टेट सप्लाई दैट इज़ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी जहाँ पर लगाया जाता है अब ये इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट कम बोली जाएगी तो एट आईपीसीसी लेवल पे आपको आईजीएसटी एक्ट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लाई इट्स ऑल ओवर द डिपेंड्स अपॉन दैट दैट मीन्स सप्लाई विच इज टू बी कंसिडर्ड एज अ इंटर स्टेट सप्लाय और द इंटर स्टेट सप्लाय डिड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर द आई जी एस टी एक्ट यू नीड नॉट टू स्टडी बिकॉज द आई सी आई हैज नॉट कवर्ड द अंडर आई पी सी सी लेवल आई जी एस टी सलेब आई जी एस टी एक्ट इज नॉट कवर्ड राइट सो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए तो मैंने क्या बोला कि लेवी जो है इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट पर रहेगी इसके बाद जो उसके बाद क्या रहता है हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास उसका जो चार्ज है चार्ज के बाद वैल्यू वैल्यू कहाँ से निकलेगी सेक्शन फिफ्टीन से तो सेक्शन फिफ्टीन आपका वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन पर हमारा क्या रहेगा जोर रहेगा तो जो वैल्यूएशन है वहाँ पर पता लगाएंगे कि वैल्यू ऑफ़ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है उसके बेसिस पे पता लगता है और उसके बाद रेट रेट जैसे आप वैल्यू निकाल लेते हो तो वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड कंपोज आपके कंपोजिट रेट या फिर नॉर्मल रेट आपको कंपोजिट रेट में कंपोजिशन स्कीम पे जो भी आपके एक मेरिट रेट्स होते हैं उसके बेसिस पर टैक्स पे करना होता है और एक होता है नॉर्मल टैक्सेबल रेट यानी कि जो नॉर्मल रेट्स है हमारे पास जीएसटी में चालीस परसेंट से ज़्यादा का तो रेट रखा ही नहीं गया है मैक्स टू मैक्स फोर्टी परसेंट तक का रेट है बाकी नॉर्मल रेट में फाइव परसेंट आपका रहता है फाइव परसेंट आपका ट्वेल्व परसेंट आपका एटीन परसेंट और ट्वेंटी एट परसेंट मैक्स टू मैक्स फोर्टी परसेंट आपका रेट है इसके बाद ये आपका लेवी खत्म होता है कलेक्शन के अंदर अगर जाएंगे तो कलेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन थर्टीन और सेक्शन फोर्टीन से डिफाइंड है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई इसके बाद आपको अगर बात करूँ तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब आप ये समझ लो कि जैसे सर्विस टैक्स में हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की बात करते तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या है टाइम ऑफ सप्लाई इसके बाद पर्सन लाइबल टू पे तीन टाइप के पर्सन होते हैं दैट इज़ कोल्ड एक तो होता है हमारा सप्लायर एक होता है हमारे पास रिसिपियंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉर्मली जब हम सप्लायर अपनी सप्लाई पे चार्ज करता है टैक्स और वो गवर्नमेंट को जमा करता है उसको बोलता है फॉरवर्ड चार्ज क्या बोलते हैं उसको फॉरवर्ड चार्ज और अगर मैं रिसिपेंट की बात करूं कि अगर रिसिपेंट ने कोई ऐसी सप्लाई ली है जिस पर रिवर्स चार्ज आ रहा है दैट इज़ कोल्ड वो सप्लाई सर्विस का वो सप्लाई ऑफ सर्विस का जो रिवर्स चार्ज में जा रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत इंश्योरेड एंशौरी, इन्श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज की बात हो रही है ये सिर्फ सर्विस पे अपलीकेबल है रिवर्स चार्ज का जो गुड्स है गुड्स पे जो रिवर्स चार्ज लगता है वो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई पे जो रिवर्स चार्ज लगता है सर्विस की उस पर रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं तो रिसिपेंट ने अगर कोई सर्विस ऐसी ली है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेजम लग रहा है तो उस केस में रिसिपियट आर लाइबल टू पे टैक्स और यहाँ तक कि रिसिपियंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेंटी में लेना पड़ेगा और सेक्शन ट्वेंटी में इसलिए

अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा कोई सप्लायर अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विस दे रहा है तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दूसरा क्लीनिंग, प्लम्बरिंग हार्ड और जो कारपेंटिंग की सर्विस होती है वो और एक तीसरी आती है दैट इज जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू जो सप्लाई करते हैं दैट इज कोल्ड होटल्स अगर होटल्स अकोमोडेशन की सर्विस दे रहा है थ्रू ई तो ये थ्री सर्विसेज दैट इज आर नोटिफाइड सर्विसेज विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द फर्स्ट सर्विस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर थ्रू ई और यहाँ पे ई के थ्रू अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है तो यहाँ पे इर होगा कि सप्लायर जो कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है गुड्स या पैसेंजर की तो वहाँ पे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी ये नहीं है supplier रजिस्टर्ड हो या ना हो हंड्रेड परसेंट ईसीओ आर लाइबल टू पे टैक्स अगर मैं होटल की बात करता हूं अकोमोडेशन की सर्विस दे रहा है थ्रू तो पे होटल अगर रजिस्टर्ड है तो दे आर लाइबल टू पे टैक्स अदरवाइज आर पेक्सर प्लम्बरिंग कारपेंट्रिंग और, और हाउस कीपिंग ये जो सर्विस होती हैं अगर ये रजिस्टर्ड है तो ये लाइबल होंगे टैक्स पे करने के लिए अदरवाइज ईसीयू आर लाइबल टू पे टैक्स के लिए लाइबल होंगे इसके इलावा, इसके अलावा अलावा आपको ध्यान का रखना है कि जो हमारे पास ई uh, है उसका सेक्शन फिफ्टी टू के अंदर टी डी एस ना सॉरी टी सी एस टैक्स कलेक्शंस एट सोर्स टी सी एस को काटने का जिम्मेदारी है यानी कि ई सी ओ यहाँ पे टी सी एस भी कलेक्ट करेगी एट द रेट वन परसेंट टी डी एस करता है दो परसेंट और टी सी एस करता है वन परसेंट का तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट सी जी एस टी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट एस जी एस टी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लेकिन ई केवल वही ई कवर की गई हैं जो कि एजेंट नहीं है अगर ई एजेंट का काम कर रही है तो फिर ये वो एजेंट के रूप में आपको टी की लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी लेकिन ई जो कि एजेंट नहीं है उसको टी कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट वन तो जब मैं सेक्शन 52 पे पर आऊँगा तो इन डॉक्ट बताऊँगा तो बट मैंने 95 को रेड विद कर दिया यहाँ पे सेक्शन 52 के साथ तो यहाँ पे ई कलेक्ट करेगा टी राइट right? टी क्यों आया टी क्यों आया इसका भी कंसेप्ट समझ जाएंगे कि मैकेनिज्म क्यों लेके आए जी एस के अंदर टी डी एस और टी सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ़ तो मैं सेक्शन नाइन का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि सेक्शन नाइन को पढ़ा कैसे जाता है पूरा का पूरा आप समझ रहे हो कि इस सेक्शन इस पूरे के पूरे चार्ट में मैंने क्या कवर कर दिया आपका फिफ्टी परसेंट सिलेबस यहीं कवर कर रहा है इसके अलावा अब अब आपको सेक्शन सेवन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन सेवन में क्या आता है मैंने सेक्शन नाइन क्यों पढ़ाया क्योंकि आपका बेस क्लियर हुआ कि जीएसटी को पढ़ना कैसे होता है उसके बाद सेक्शन सेवन की बात करेंगे सप्लाई आपको पता है सर सप्लाई का मतलब सप्लाई को हमने सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन बी यानी कि आपका सप्लाई दो तरह से हो सकता है यानी कि सेक्शन सेवन वन ए या सेवन वन बी का मतलब होता है जहाँ पे मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ विद कंसिड्रेशन यानी कि कुछ तो सप्लाई होती है विद कंसिड्रेशन जहाँ पे हमने कंसिड्रेशन करके सप्लाई किया है और कुछ होती है विदाउट कंसिड्रेशन और विदाउट कंसिड्रेशन का मतलब होता है जो कि शेड्यूल वन है कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स को विदाउट कंसिड्रेशन भी सप्लाई माना जा रहा है जो कि शेड्यूल वन के अंदर कवर की गई है अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आपका शेड्यूल थर्ड जो कि आपको बता रहा हूँ मैं शेड्यूल वन तो ये हो गया हमारा इसके अलावा शेड्यूल थर्ड होता है कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन को तो हम सप्लाई ही नहीं कंसिडर करेंगे वो शेड्यूल थर्ड है उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है इसके बाद सेकंड शेड्यूल कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द सप्लाई यानी कि वंस यू हैव डिसाइडेड द सप्लाई अंडर सेक्शन सेवन वन ए सेक्शन सेवन वन बी और सेक्शन सेवन वन सी देन यू नीड टू क्लासीफाई इधर द सप्लाई ऑफ गुड्स और इधर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड शेड्यूल का जस्ट रोल जो है रोल ऑफ़ सेकेंड शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ रोल ऑफ सेकंड शेड्यूल इज जस्ट क्लासिफिकेशन यानी कि सेकंड सेकंड जो शेड्यूल है उसका जो रोल है वो जस्ट क्लासिफिकेशन है इधर सप्लाई ऑफ़ गुड्स या सर्विसेज एक बार आपका पहले सप्लाई डिसाइड हो जाए कि कोई भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अगर एक बार डिसाइड हो गया तो सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन बी सेवन वन